और दर्शकों आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, देवभूमि उत्तराखंड की घर घर गांव की आवाज। जी हाँ दोस्तों, आप हम सभी जानते हैं कि समय आजकल वैश्विक महामारी चल रही है और वैश्विक महामारी के बीच आज हम पहुंचे हैं उसी जगह पे। जैसे आप लोगों के ये घटना याद होगा, जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खंड नंडा भवन धुमाकोट मोटर मार्ग पीपली मार्ग, और जहाँ पे एक बस दुर्घटना 2018 1 जुलाई को यहाँ पे एक घटित हुई थी। यहाँ पे 48 लोगों ने की शहादत हुई थी और उन परिवारों ने अपने 48 परिजन खो दिए थे इसी रोड पे। आज इसी रोड का नज़ारा मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सूची पटल है, यहाँ पे स्मृति पटल कह सकते हैं, और ये नाम ऊपर से और नीचे तक उन लोगों के यहाँ पे लिखे हुए हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी, अपने परिजनों को उन परिवारों ने खो दिया था इन लोगों को। ये स्मृति पटल पे आप देख सकते हैं, और उसी रोड की यहाँ पे मैं घटना आपको नीचे को दिखाऊंगा। यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, थोड़ा मंदिर भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। जब बस यहाँ से अनियंत्रण होती है, खचाखच भर के आती है और यहाँ पे घटित हो जाते हैं, पहिए नीचे को चले जाते हैं बस के और नीचे गिरते हैं, वो 48 लोग काल के क्रॉस बन जाते हैं इस रोड पे। तो आइए दोस्तों, उन घटों को भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को। वॉइस ऑफ माउंटेन का कैमरा आज एक बार भी तीसरी मरतबा इस रोड पे पहुँचा है। ये घटे आप देख सकते हैं 2018 1 जुलाई को जैसे थे आज भी वैसे हैं। यहाँ पे नीचे और देख सकते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस रोड इस घटना पे पहुँचे थे। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस घटना पे शोक जताया था, लेकिन आज वो गट्टे आज वहीं पे ज्यों के त्यों मिल रहे हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं ये सारे गट्टे यहाँ पे भरे हुए हैं, वैसे लगे जैसे पहले आप देखे करते थे 2018 में 1 जुलाई को, वही गड्ढे आज क्यों के क्यों बने हुए हैं। शासन और प्रशासन अभी तक नहीं जागी है, ये सबसे दुखद घटना है। आपका स्वागत है, लेकिन रोड आज आप कैसे देख पा रहे हैं? रोड क्या है तो बहुत बुरी है जी। क्या मांग करेंगे शासन? शासन क्या, कब से रोड खाली है ये? मतलब जब आप यहाँ पे वाहन लाते हो तो कैसा महसूस करते हैं? तो हमें तो डर ही लगती है फिर उस घटना को याद करके। तो यहाँ पे जो महानंद गैस सर्विस का हमारा ये वाहन चालक हैं, उनका साफ साफ कहना है कि आज वही घटना हमें याद आता है। इस जगह पे पहुँचने पे एक सिरन ठिठुरन सी शरीर के अंदर चली जाती है उस घटना को याद करके, और आज इस रोड के हालत ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, यहाँ पे उन 48 लोगों को खोना पड़ा, उन लोगों के परिजनों ने जिन्होंने यहाँ पे ख्वाब सजोए थे, जो अपने शहरों को गांव को लौट रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पे शहादत दी। और ये बस दुर्घटना यूँ लगता कि आज की ही एक नई बात हो, क्योंकि हालत ज्यों के त्यों आज भी इस रोड के आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी भी ये घटना हो सकता है, आपका दर्द भी यही हो सकता है, आपके परिजनों का भी ये दर्द हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आज हम मिलकर ये संकल्प लें कि सरकार जागे और इन रोडों की हालत को सुधारने का काम करें। मैं महिपाल सिंह रावत इसी प्रकार आपको ज़मीनी हकीकत दिखाता रहूँगा। हमारा वॉइस ऑफ माउंटेन हमेशा ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मैं आज जैसे यहाँ पे बॉन पिपली मोटर मार्ग पे पहुँचा था, आज हमने ज़मीनी हकीकत की बात आप तक पहुँचाई। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी नई जगह नई घटना पे फिर हम पहुंचेंगे। मैं महिपाल सिंह रावत अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ पे बाजवा जी के साथ पीपली धुमाकोट नैनी डांडा पौड़ी गढ़वा, और इस रोड के बारे में हालत पूछूंगा।
सबसे पहले भाईजो माउंटेन पे आपका स्वागत है सर जी। थैंक यू सर आपका। सर यहाँ पे किस प्रकार आप इसको देख पाते हैं, 2018 में जैसे 1 जुलाई को एक बड़ी घटना घट गई थी, वो 48 लोग उन लोगों को खोने पड़े उनके परिजनों को, और गड्ढे हमने आपको दिखाए कि आज भी वही बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही बुरी हालत यहाँ पे रोड की है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कई बार तो हमारे को मौसम ख़राब होता है तो धुमाकोट में अपनी आधी गाड़ी अनलोड करना पड़ता है, 2 गाड़ियों में हमारा माल गोदाम तक पहुँचता है, कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हो पा रही है। और फिर ऊपर से दूसरी बात यह है कि कल मतलब 1 महीने पहले मैं गाड़ी सर्विस करके लाया, कल इस रोड पे इसके 3 पट्टे टूट गए, 3 पट्टे है ना, तो यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल रोड ऐसी हो रखी है कि किसी ज़माने में कहते थे कि पक्की रोड है, आज ये पूरी तरह कच्ची रोड हो चुकी है। जैसे जैसे आप रोड का दायरा आगे के लिए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रोड की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। आप मतलब जितनी कैपेसिटी गाड़ी की है उससे ठीक आधा माल भी भरते हो तब भी आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे जो महानंद गैस सर्विस के मालिक हैं उनका साफ कहना था कि इस रोड पे अपनी जो गाड़ी है या अन्य वाहन है उनको चलाना मुश्किल है और काफ़ी एक कठिनाई के साथ यहाँ पे चलना होता है। तो आइए कुछ लोगों से यहाँ पे पूछते हैं जो इस रोड से ट्रेवल करके पहुँच रहे हैं यहाँ पे। और भाई बहन को आप कहाँ से आए हो? लाइन ड्रोन से। भाई साहब ये जो आपको पता है यहाँ पे 48 लोग यहाँ पे खोए थे, एक बस दुर्घटना हुई थी 1 जुलाई 2018 को, तो ये गड्ढे आज भी मैं देख रहा हूँ कि ज्यों के त्यों बने हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति हो रही है, सवारी को उतार उतार के गाड़ी पार करनी पड़ रही है और अगली बार से मुश्किल छोटी गाड़ी के लिए। तो इस घटना को आप भाई साहब कैसे देख पाते हैं, ये सरकार की नाकामी गिना जाए, त्रिवेंद्र सिंह सरकार की नाकामी गिना जाए, मुख्यमंत्री खुद इस घटना पे दुख भी जताते हैं और घटना स्थल पे भी पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हालत जो के त्यों बनी हुई है। तो इस हालत के लिए आज जिम्मेदार कौन? पब्लिक तो नहीं हो सकती, पब्लिक तो रोज यहाँ पे अपनी बात पहुंचाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये आज देख सकते हैं वाइजो माउंटेन का कैमरा आज यहाँ पे उसी घटना स्थल पे पहुंचा है जहाँ पे 48 लोगों को उन परिजनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था, और उसी सूचना पट्टी पे मैं आप तक अपना कैमरा ले गया था, आपको दिखाया था। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये घटना हर जिले हर ब्लॉक की भी हो सकती है, हर गांव की भी हो सकती है, और इन्हीं जमीनी हकीकत काफ़ी जगह जो है आने में बहुत दिक्कत आती है, गाड़ी में फिर दोबारा बैठना पड़ा, फिर दोबारा रोड खराब, फिर पत्थर हटाने पड़े, ऐसे कम से कम 20-25 जगह इस रोड पे। जी 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 20-25। तो आपको पता था ये रोड ऐसी है या नहीं? पहले नहीं। से पता नहीं थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पे 1 जुलाई 2018 को वो 48 लोग काल के ग्रास बन गए थे, उन परिजनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था, आज ये गाड़ी यहाँ पे लंच जोन से पहुँचती है, लेकिन इनको ये रूट पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये रूट पे आगे चलते रहते हैं इनको इसमें पूरे पत्थर हटाने पड़े, गाड़ी को साइड लगाना पड़ा। ये सबसे बड़ी शर्म का आज विषय बना हुआ है उत्तराखंड विकास खंड नैनीडांड के अंदर, और खुद मुख्यमंत्री जी इस घटना स्थल पे पहुँचे थे पत्रकारों को लेके, लेकिन आप देख सकते हैं इस रोड पे गड्ढे च्यों के त्यों बने हुए हैं। तो यहाँ पे सारे लोगों से मैंने बातचीत की, वॉइस ऑफ माउंटेन पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी बात को शेयर किया था। तो अगली घटना के लिए मैं अगली नई जगह पे पहुँचूंगा। नमस्कार। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।